नमस्कार दोस्तों, कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई लोग कहीं ताबीज़ पहनी होती है या जंत्र मंत्र यूज़ कर रहे होते हैं, गंडा ताबीज़ तिलस्म से यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली में ये चीज़ें हैं क्या? चलिए आज इस चीज़ को ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप जो लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूँगी, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, ताबीज़ क्या चीज़ है? एक्चुअली में जो मंत्र सिद्धि जानता है, वो मंत्रों को सिद्ध करने के बाद किसी भी ताबीज़ में अपने मंत्र की पावर डालकर उस ताबीज़ को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उस ताबीज़ को जो भी पहनेगा उसके लिए वो उसकी दी हुई ताबीज़ काम करना शुरू कर देगी, उसे एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। ये होती है ताबीज़, यही है जंत्र मंत्र। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, आनंद फानंद में या रस्तों में सड़कों पे चलते हुए कहीं भी मिलते हुए जो जंत्र होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं और सोचते हैं ये हमारे लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो भी ताबीज़ वगैरह या तिलस्म वगैरह लिए जाते हैं, ये अगर किसी सिद्ध से लेंगे आप लोग, तो वो अभिमंत्रित किए हुए होंगे। अभिमंत्रित किया हुआ, और ये अभिमंत्रित भी कौन करता है? जो मंत्र सिद्धि ऑलरेडी कर चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये जो तिलिस्म है या ताबीज़ हैं, ये हम किसी ऐसे व्यक्ति से ही लें जो इन चीज़ों की जानकारी रखता हो। मान लीजिए किसी का कोई कोर्ट का काम है और वो बहुत सालों से अटका हुआ है और वो परेशान हो रहा है कि किस तरीके से मुझे इससे छुटकारा मिले, मेरा काम सिद्ध हो और उसके बाद मैं हट जाऊँ यहाँ से, या मेरी दुकान में बिक्री नहीं हो रही है और मेरी एकदम से बिक्री बढ़ जाए और मेरी दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर आए। तो इसके लिए वो किसी सिद्ध के पास जाकर जब रिक्वेस्ट करे कि उसके लिए कोई वो पावर दे उसे, तो ऐसे में उसे ताबीज़ वगैरह या तिलिस्म वगैरह मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। होते हैं बहुत लोग, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भुलेखे में ना पड़ें, किसी भ्रम जाल में ना फंसें, क्योंकि सब सिद्ध नहीं हैं, हर कोई इसका जानकार नहीं है, बहुत कम लोग हैं। इसलिए आप लोगों से मैं इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि हर किसी के पास नहीं जाएं। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। धन्यवाद।